नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर दतिया से। मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने आज दतिया में दतिया ग्वालियर रोड पर पटवारी फार्म हाउस के पास 41,87,00,000 की लागत से बनने वाले पुलिस अधिकारियों और आरक्षकों पर शासकीय आवासों का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर आईजी चंबल संभाग मनोज शर्मा, कलेक्टर संजय कुमार, एसपी गुरुकरण सिंह, एएसपी कमल मौर्य के अलावा भाजपा जिला अध्यक्ष सुरेंद्र बुधोलिया, पूर्व विधायक प्रदीप अग्रवाल, कालीचरण कुशवाहा, प्रशांत डेंगुला, योगेश सक्सेना, अतुल पुरे चौधरी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्तागण मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर डॉक्टर रतन सूर्यवंशी ने किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदुस्तान टुडे। तो ये जो योजनाएं चली गई, हमारे फाइव स्टार होटल चले गए, जो राजगढ़ पैलेस के थे, हमारा पत्रकारिता महाविद्यालय चला गया, हमारा नगर निगम चला गया, हमारी लोअर यूर परियोजना चली गई, अभी तक हमारी नहर 35 गांव में आ जाती तो आने वाले दिनों में 35 गांव के साथ साथ दतिया का नक्शा बदल जाता। लेकिन उसके बावजूद भी, लॉकडाउन के पीरियड होने के बावजूद भी, हमने दतिया के विकास में कोई कमी नहीं रखी। मित्रों, ये बिल्डिंग भी उसी का एक परिणाम है। मैंने अभी डीजी साहब से कहा है कि हम दतिया के अंदर 100% क्वार्टर चाहते हैं अपने पुलिस वालों के लिए। कोई भी बाहर नहीं रहे, कोई किसी को अप्रोच नहीं लगाता मिले कि कोई नेता एमएलए एमपी के पास जा रहा है कि मुझे क्वार्टर दिलवा दो। वो ट्रांसफर होकर दतिया आए तो उसने अपने आप उसके बच्चों, क्योंकि मैंने स्वयं देखा है शर्मा जी, डीजी साहब।